Welcome to Learners, I'm Manju और you are watching Ease of Education. Friends, learner कैसे हो आप? मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर, तो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप, ओके? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कीजिए ना, और हिट द बेल आइकन एज वेल. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड लर्नर्स. आज की वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे होने वाली है, तो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके लर्नर्स, रोल ऑफ द स्ट्रक्चर चलिए लर्न करते हैं, ठीक है? पॉजिटिव सेंटेंस, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है? पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसे बनाना है देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, ई एस लगेगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ, तो इस चीज का ध्यान कीजिएगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल पे देख लेते हैं. एग्जाम्पल में आपका आ जाता है ही प्लेज फुटबॉल डेली, ठीक है? ही प्लेज फुटबॉल डेली, तो ये आपकी जो वर्ब है ना इसके साथ एस लगा है, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्ड्स में जाके फॉर्म ऑफ द वर्ड्स सर्च कीजिएगा, उसमें कुछ वर्ब के साथ ई एस लगता है, कुछ के साथ सिर्फ एस लगता है, ठीक है? तो ये चीज का आप ध्यान कीजिएगा, ओके? चलिए अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, ओके? सेंटेंस स्ट्रक्चर में एस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डू, डू ई एस लगेगा इसमें, ठीक है? नॉट, नॉट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके? एंड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके? सो आप मेरे साथ देखिए, वैसे डू भी वर्ब है पर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे दोस्तों. ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, वो रोज डेली फुटबॉल नहीं खेलता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ओके? अब आ जाते हैं क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे, क्वेश्चन के, ओके फ्रेंड, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? डू, डू पहले आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, डू इसके साथ ई एस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है? एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए, डज ही प्ले फुटबॉल डेली, क्या वो फुटबॉल डेली खेलता है? तो ऐसे क्वेश्चन इंटरोगेट सेंटेंसेस बनाने होते. आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है? चलिए आगे okay, बढ़ते हैं. यूजेस समथिंग विच इज ट्रू और फैक्टिकल, चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए यूजेस में जनरल एग्जाम्पल दिया गया है. जनरल चाइनीज पीपल ईट्स अ लॉट्स ऑफ राइस, ओके? ये चाइनीज पीपल ज्यादा चावल खाते हैं, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है? तो जनरल ये नॉर्मल है, ये बताया गया है चाइनीज पीपल ईट्स अ लॉट्स ऑफ राइस, यानी जनरल है वो बहुत ही ज्यादा खाते हैं चावल, ये शो किया गया है, ठीक है? ठीक है, एग्जाम्पल में ये दिया गया. अब आ जाते हैं पॉइंट वन टू पे, एक्सपायर परमानेंट, परमानेंट, ओके? परमानेंट, परमानेंट पर आ जाते हैं दोस्तों. परमानेंट पे आई एम अ टीचर, ही इज अ फादर, तो ये परमानेंट है, ये चीज याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए. मैं मॉम हूं, ही इज अ डैड, तो ये ट्रू है, बेसिकली ये ट्रू शो कर रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है? मैथमेटिकल आ जाते हैं, मैथमेटिकल में वन प्लस वन इक्वल टू, ठीक है? तो ये भी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल में आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा. एंड अब आ जाते हैं हैबिटिकल, हैबिटिकल हैबिट्स में आ जाते हैं. आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे,
आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे, यानी मैं हर रोज, मेरी हैबिट्स है हर रोज कॉफी पीना, ये इसको शो करता है. ऑलराइट, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट रिकरिंग में. आ जाते हैं दोस्तों, रिकरिंग मींस कोई भी चीज़ बार बार आना, ठीक है, उसको शो कर रहा है. रिकरिंग मींस कोई भी चीज़ बार बार आना, ठीक है. इट स्नो एवरी विंटर्स, तो हर विंटर में स्नो होती है, तो इसको ये शो कर रहा है. बार बार हर विंटर में आती है, तो ये शो कर रहा है. रिकरिंग मींस बार बार आने वाली कोई चीज़, उसको शो कर रहा है. तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए आगे आ जाते हैं. मेंटल स्टेट, ओके, मेंटल स्टेट. आई थिंक शी इज वेरी काइंड, वो सोच रही है कि वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है. तो ये भी शो करता है. आई होप ये आपको थोड़े समझ आएगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और रूल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में, रूल्स एंड एग्जांपल फटाफट मैं रिवाइज कराऊंगी. देखिए, टू मेक सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, पॉइंट वन, ठीक है. आई टेक ब्रेकफास्ट डेली, ऑलराइट, रिवाइज करा रही हूँ, ओके. टू शो परमानेंट फैक्ट्स, पॉइंट टू, ओके. द सन राइज इन द ईस्ट, ये हमेशा ही होता है, ठीक है. पॉइंट थ्री, टू डिस्क्राइब द फीलिंग और इमोशंस, ये हमने ऑलरेडी रिवाइज करा है, फिर से रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है. आई बिकम नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम, ऑलराइट. सो इमोशन बता रहा है, नर्वस हो रहा है पर्सन, ओके. पॉइंट फोर, टू शो हैबिट्स एक्शंस, ओके. ही टेक्स एक्सरसाइज डेली फॉर 30 मिनट्स, ओके. एंड पॉइंट फाइव, टू स्टेट रिक्वायरिंग एक्ट्स, जो बार बार कोई चीज़ें आती हैं, मैंने पहले भी बताया. इट शोज एवरी, इट्स स्नो एवरी विंटर, इट स्नो एवरी विंटर, हर विंटर में बार बार स्नो आती है, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने इसके बारे में पहले अभी बताया आपको. पॉइंट सिक्स पर आ जाते हैं, मैथमेटिकल और साइंटिफिक स्टेटमेंट. 2 + 2 = 4, ओके. सेकेंड, वाटर फ्रीजेस एट 0 degree, ओके. सो ये कुछ सेंटेंसेस इसमें हो गए. पॉइंट सेवन, टू गिव इंस्ट्रक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन, ओके. फ्रेंड्स, टू गिव इंस्ट्रक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स किसी चीज़ का प्रदर्शन करना, प्रचार करना, ठीक है. इसकी मीनिंग है प्रदर्शन करना, किसी चीज़ का प्रचार करना, ओके. बेक द कुकीज इन द ओवन फॉर 20 मिनट्स, ओके. ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इस चीज़ का याद रखना, ठीक है. टाइम एंड डेट्स, द बस लीव्स एट 8 o'clock डेली, ठीक है. बस 8 बजे जाती है, इस चीज़ को शो कर रहा है, ओके. अब आ जाते पॉइंट नाइन, अनाउंसमेंट इन मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर, ओके. ग्लोबल वायरस केसेस अक्यूज्ड 1 million, ओके. सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फटाफट चलिए आगे बढ़. लर्नर्स, कुछ और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस लाई हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. तो ये मैं आपको शो कर रही हूँ कि कैसे पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने. तो आप इसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो. और कोई भी डाउट आता है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है. ये मैंने आपको शो करने के लिए बताया है कैसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं. ये ईजी वे में है, बहुत ईजी वे में, जिनको अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में नहीं पता है, उनके लिए बहुत ईजी वे में शो किया गया है. ये आप देख के आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है. आई होप, चलिए आगे बढ़ते हैं. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के. फ्रेंड्स, स्पेलिंग रूल्स थोड़े और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है. चलिए स्टार्ट कर से, आई वी यू दे, ठीक है. अब ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. ये सेंटेंसेस यहाँ दिए गए इनके बारे में. देखिए, आई लव म्यूजिक, ठीक है. लव इसमें क्या डिफरेंस है, अभी आपको पता चल जाएगा. माई फ्रेंड प्ले टेनिस, ओके. बेन एंड आई वॉच टीवी एवरी डे, ओके.
यू स्टडी इंग्लिश, इसमें क्या डिफरेंस है अभी पता चल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया ई एस का फर्क है, ही शी इट ओके, और किसी का भी नाम, थर्ड पर्सन नेम ठीक है। ही लव्स, देखिए आई में लव है बट शी लव्स, इसमें ई एस, इसमें एस लग गया, शी लव्स म्यूजिक ओके। डन प्ले, यहाँ पे प्ले है, ये देखिए प्ले प्लेज हो गया प्लेज। तो ये डिफरेंस है, इसका आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, इसमें एस लग चुका है, ही शी इट और किसी पर्सन के नाम के साथ वर्ब में, वर्ब में ई एस लग जाता है ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा ओके। माई डैड वॉचेस, देखिए यहाँ पे वॉच है ना, यहाँ पे वॉचेस ई एस लग गया है ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब जॉन स्टडीज फ्रेंच, देखिए यू स्टडी में यहाँ पे कोई ई एस नहीं लगा, लेकिन यहाँ देखिए अब यहाँ पे ई एस नहीं आई ई एस लगा है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस नहीं लगेगा, ही शी इट के साथ ई एस लगेगा ठीक है, ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनकी राइटिंग स्किल बैड हो जाती है ठीक है। चलिए अब थोड़े रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं इन्हीं के बारे में, देखिए इट इन द प्रेजेंट सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट वी एड एस ई एस आई ई एस टू द वर्ब, यहाँ पे ऑलरेडी शो करा गया है तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए किन किन वर्ब के साथ, देखिए फर्स्ट बॉक्स में देखिए शो करा गया है, जिसमें एंड में सी एच आता है, एस एच आता है, एस एस एक्स ओ, उसमें ई एस लगेगा ठीक है, ई एस लगेगा, ये रूल है, ये नोट डाउन कर लोगे तो आपकी राइटिंग कभी भी बैड नहीं होगी। सेकेंड बॉक्स में आ जाइए, इसमें दिखाया हुआ है ठीक है, जिस सेंटेंस जिस वर्ब वर्ब में वर्ब के वर्ड में लास्ट में वाई होगा तो उसमें आई ई एस लगेगा ठीक है, प्यूरल बना रहे हो तो भी, और जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख रहे हो तो भी, तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड पे अब इसमें कुछ स्पेलिंग दी गई है ठीक है, वी एड एस टू ऑल द अदर वर्ब्स ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में आप वर्ब्स में जाके जान सकते हो, प्यूरल कैसे बनता है और भी हैं, आने वाले टाइम में मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन आपको मैं कुछ हिंट दे रही हूँ, आई होप आपको ये थोड़ा रूल समझ आ गया हो ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो, समझ आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे ओके। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि आपको बहुत समझ आए ओके लर्नर्स। लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा क्विज है फिल इन द ब्लैंक्स का, अगर आपको लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आप लर्नर हो तो आप ये इसको ज़रूर फिलअप करोगे। फिल कैसे करना है दोस्तों, 7 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैंने आपको अभी अच्छे से मैंने सिखाया, और जो आपने सीखा तो प्लीज़ ये फिल इन द ब्लैंक्स 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करके बताने हैं, जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करके बताएगा उसका नाम, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, यूज़फुल लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है। मैं चलती हूँ न्यू वीडियो बनाने के लिए न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।